नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप आसानी से घर पे जो है पक्के आम का जो है आम पापड़ बना सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, पर जो सूखने का प्रोसेस है वही इसमें लंबा है। तो यहाँ पे जो है हमने जो पक्के आम जो है ये केसर आम है उसको ले लिया है। उसके अलावा यहाँ पर हमने आधा चौका पे चीनी लिया है क्योंकि आम जो है खुद मीठा होता है। यहाँ पर हमने घी लिया है और यहाँ पर जो है हमने इलायची का पाउडर जो है वो ले लिया है एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे कि थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। तो इसको बनाना जो है बहुत ही सिंपल है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ओके, तो हमारे पके हुए आम को जो है हम ब्लेंड कर लेंगे और इसका प्यूरी बना लेंगे। अगर आपको जो है कच्चे आम की आम का जो है आम पापड़ कैसे बनाना है उसकी रेसिपी अगर आपको मतलब चाहिए तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से उसकी लिंक जो है देख सकते हैं। राइट, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्योरी बन चुकी है, पर थोड़े से अभी भी इसमें पीसीस है। इसको हम और थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ जो है हमारा प्योरी बन चुका है। तो अब जो है हम इसको पकाने के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो है हम इसको पकाने से पहले थोड़ा सा छान लेते हैं क्योंकि इसमें ये भी कुछ थोड़े बहुत रहस्य हो या तो कुछ आम जो है वो ब्लेंड ना हुए हों उनके पीसेस। ओके दोस्तों, तो इसको जो है हमने अच्छे से जो है छान लिया है। इसको एक नॉनस्टिक पैन में डाल देते हैं। इसको चालू कर देते हैं। थोड़ा सा उबाल आने के बाद इसमें हम चीनी मिला देंगे। यहाँ पे जो है चीनी हम मिला देते हैं इसके अंदर। चीनी के कारण ये जो पापड़ है अच्छे से बिल्ड होता है, अच्छे से जमता है। इसमें जो है अभी चीनी पिघल जाएगी और अब जब सुखाएंगे तो फिर सख्त हो जाएगी, इसलिए चीनी डालना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है इलायची का पाउडर डाल देते हैं जिससे एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा।
इसको जो है हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे इसको हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, ये ऑलमोस्ट जो अच्छे से पक चुका है, तो गैस को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं और एक हमारी थाली लेंगे, इसको जो है अच्छे से हम ग्रीस कर देते हैं। इसको ग्रीस करना ज़रूरी है, नहीं तो ये पापड़ जो है हमारा निकलेगा नहीं थाली में से, चिपक जाएगा। इसको जो है बीच में ऐसे सेंटर में डालेंगे, इलायची की बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है, तो टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इसको जो है थोड़ा सा फटाफट जो है टेप कर देंगे, चारों तरफ फैला देंगे, नहीं तो ये जमना शुरू हो जाएगा, फिर अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया है, तो इसको जो है हम अगर आपको धूप में सुखाना है तो 2 दिन तक इसको आप सुखाएंगे तो अच्छे से सूख जाएगा फटाफट। पर इसको जो है आप या तो आधा या तो 1 दिन जो है पंखे के नीचे घर के अंदर ही सुखाएं, जिससे कि इसकी ऊपरी परत है थोड़ी सी सख्त हो जाए और बाहर जब आप धूप में सुखाओगे तो इस पर धूल मिट्टी चिपके नहीं। तो इसको जो है हम 2-3 दिन बाद जो है वो देखेंगे, चेक करेंगे। चालू करके इसके अंदर पानी डाल देंगे और जितनी चिकनाहट है उसको धीरे धीरे करके निकाल देंगे। लकड़ा है उससे ही आप करें, इसका प्रोटीन जो निकल जाएगा। देख सकते हैं कि बहुत सारी चिकनाहट जो है इसकी निकल चुकी है। आप गैस को बंद कर देते हैं और पानी जो मैं निकाल देता हूँ, अच्छे से दिखेगा कितनी चिकनाहट। आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन हो गया है। इसको जो है कोई भी आप बर्तन धोने का जो भी पाउडर या तो लिक्विड यूज़ करते हैं उससे हल्का सा साफ कर ले तो ये भी चिकनाहट नहीं है, तो ये अच्छे से साफ हो जाएगा। तो बस यही दिखाना था आपको, बाकी जो है हम पापड़ हमारा 2-3 दिन सुखाएंगे और फिर उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है हमने पक्के आम का जो है आम पापड़ 3 दिन के लिए
सुखाया था और पहले दिन इसको घर पे पंखे के नीचे सुखाया था, जिससे कि इसकी एक सूखी लेयर उसका लेयर बन जाए, जिससे कि अगर आप इसको धूप में रखें तो कुछ उस पर चिपके नहीं धूल मिट्टी। ये रेडी हो चुका है, इसको जो है हम चेक करते हैं। इनकेस अगर आपका जो पापड़ है वो हल्का सा नीचे चिपक जाए तो आप गैस पे एकदम हल्का सा उसको गर्माहट देंगे तो वो जो है निकल जाएगा। तो ये जो है हमारा जो कच्चा आम का आम पापड़ था उससे थोड़ा सा पतला हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ठीक करना चाहते हैं आप ठीक भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें ग्रीस करते समय थोड़ा सा घी ज़्यादा लग गया है, इसलिए आपको घी दिख रहा है इसमें ज़्यादा। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पापड़ जो है वो जम चुका है। तो इसके जो है किनारे हम काट लेंगे, और अगर इसको चाहें तो आप डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। आप जैसे वो बॉम्बे का हलवा आता है उस तरीके के बड़े शेप में जो है काट सकते हैं, फिर उसको फोल्ड कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है शेप वो आप उसको ले सकते हैं। थोड़ा सा पतला है इसके उसको कौन सा शेप देंगे आराम से आप काट सकते हैं चाकू से। काट के फिर हम सर्विंग करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी पकौड़ी वाल ली है, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो फोल्ड करके भी इसको कर सकते हैं, या तो छोटे छोटे स्क्वायर कर पारे डायमंड शेप में काट के रख सकते हैं। तो ये इतनी सी जो है तो बहुत ही कम है, तो अगर आप चाहें तो दो तीन थाली एक साथ बना सकते हैं पक्के आम के जो है आम पापड़। बच्चे जो है वो खाते रहेंगे इसको, आप फ्रीज में रख दे तो अच्छा उसका टेक्सचर रहेगा, और वैसे इतनी सी बाहर रखेंगे तो एक दिन में ही बच्चे खा जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें और आपके एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट में शेयर करें, और भी एक चीज़ बताएं कि भाई आप इस तरीके की कौन कौन सी रेसिपी पक्के या तो कच्चे आम से बनाते हैं अपने शहर में या तो गाँव में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो कर दीजिए इसको लाइक शेयर और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जाने से पहले कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट है, आपको कुछ बताना है। तो सबसे पहला हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है, जैसे कि आपको बताया होगा लाइफ में होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम परेशानियाँ दिक्कतें टेंशन डिप्रेशन, तो कई बार जो है हम किसी को ये हमारे अंदर क्या चल रहा है वो बता नहीं पाते हैं और अंदर अंदर हम घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पे आप अपने कुछ भी कन्फेशन है बोधरेशन है, आपको जैसे कि कोई बुली कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपकी बीवी परेशान कर रही है, या तो आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, या तो बच्चे हो ही नहीं रहे, शादी नहीं हो रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको एग्ज़ाम में मार्क नहीं मिल रहे, आप केट या तो यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है या तो सीए की एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कतें हैं लाइफ में वो सबको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको लिखने में बोरियत हो रही है तो यहाँ पे इस तरह की ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्डिंग की वेबसाइट है, जहाँ पे आप जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन जो भी कुछ ऑडियो आपको कन्फेशन करना है वो रिकॉर्ड कर दीजिए और उसकी लिंक एक जनरेट हो जाएगी, उसको यहाँ पे शेयर कर दीजिए। उसके अलावा एक दूसरा यहाँ पे इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है, ये एक हम स्पेशल टी शर्ट जो है वो डिज़ाइन किया है। ये बहुत ही स्पेशल टी शर्ट है, जब भी आप ये टी शर्ट पहनोगे तो वो दिन पे आप भी खुश रहोगे और दूसरों को भी आप हैप्पीनेस दोगे। वो आप जो है हैप्पीनेस किसी भी तरह से दे सकते हैं, आपके कुछ भी क्रिएटिव आइडिया है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लोगों को आप गिफ्ट दे सकते हैं, टॉफी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, आप कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं घर में या तो आपकी सोसाइटी के अंदर, आप ऑर्फनेज में जाके कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं, आप ओल्ड एज होम में जाके वहाँ पे कुछ हैप्पीनेस जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, और आप जो होमलेस पीपल है उनको भी कुछ खाना दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, स्लम में रहते जो बच्चे हैं उनको जाके उनके साथ आप फुटबॉल खेल सकते हैं और कुछ भी आप कर सकते हैं आपकी जो भी क्रिएटिविटी है। और ये टी शर्ट जो है अलग अलग कलर में उपलब्ध है, तो ये इंडिया में अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, और आप अगर इंडिया से बाहर रहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं ये वाला जो है वेबसाइट।
और एक्चुअल में ये यहाँ पे 1500 का पड़ता है और ये टी शर्ट जो है वो 700 के आसपास है, तो ये आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर ये टी शर्ट की लिंक अगर काम नहीं कर रही है तो ये फॉर्म एक है, वहाँ पे आप अपने डिटेल डाल दीजिए तो आपको एक नई लिंक जनरेट करके सेंड कर दी जाएगी। और एक इनिशिएटिव है यहाँ पे वीडियो एजुकेशन वर्कशॉप फॉर चेंज, तो ये जो वर्कशॉप है उसमें आपको कुछ किसी भी तरीके के वीडियोस बनाने हैं, ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, और ऑनलाइन ट्यूटरिंग करना है, कुछ भी करना है, आपको मैथ पढ़ाना है, योगा पढ़ाना है, कुकिंग पढ़ाना है, आपको व्लॉगिंग करना है, ट्रैवल वीडियोस बनाना है, शॉर्ट फिल्म या तो जो छोटे बजट की जो फिल्म है वो बनानी है, कुछ भी है आप यहाँ से सीख सकते हैं। वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो कैसे एडिट करना है, किस तरीके की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है, वेबसाइट कैसे बनाना है, और खास करके फंड रेजिंग, क्राउड फंडिंग कैसे करना है, कहाँ कहाँ से आप पैसे किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, सभी चीज़ें जो है ये वर्कशॉप के अंदर सिखाई गई है। तो ये आप ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो बस ये 3 जो इनिशिएटिव है आपको शेयर करने थे। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है पूरा उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, तो ये हमने एक डोनेशन का एक सपोर्ट का पेज क्रिएट किया है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा इन पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आइए, जब भी आपको शॉपिंग करना है अमेजोन इंडिया से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन यूएसए से, तो यहाँ पे आके कुछ भी आप खरीद लीजिए, और आपको जो डिस्काउंट वाला जो प्राइस है वही मिलेगा आपको, मतलब जो वेबसाइट पे जो प्राइस दिखा रहा है वही प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिलेगी, और हमको जो है ये वेबसाइट्स के थ्रू थोड़ा सा एफिलिएट कमीशन मिल जाएगा, और हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली अच्छे से चला सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं लैपटॉप को, हमारे माइक्रोफोन को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छे लगे होंगे। आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख सकते हैं, या तो आप कोरा पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, हंसते रहिए, खेलते रहिए और कुकिंग करते रहिए। थैंक यू।